हेलो दोस्तों आपका एस एस सी जी के ज्ञान में स्वागत है आज हम आपके लिए जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चालीस क्वेश्चन लाए हैं जो अग्रगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे ये जियोग्राफी का पार्ट भाग दो है चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्न सिक्सटी वन पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है आपके सामने चार ऑप्शन हैं दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए पाँच सेकेंड का समय दिया जा, जाएगा और उसमें आप अपना आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और लास्ट में ये भी बताइए कि आप चालीस क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर करेक्ट हुए चलिए दोस्तों पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है दोस्तों इसका राइट तो इसका राइट आंसर होगा सी निफे पृथ्वी के आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा गया है फर्स्ट सेकेंड पहले भाग को क्रस्ट कहते हैं जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है जिसे सियाल कहा जाता है दूसरे भाग को मेंटल मेंटल कहते हैं जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है जिसे सीमा कहा जाता है तीसरा भाग कोर जिसमें सिलिकॉन, सॉरी निकिल और आयरन की मात्रा अधिक होती है जिसे नीफे कहा जाता है तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा अगला प्रश्न दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए और चालीस क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए पृथ्वी की तीन संकेद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए इसका राइट आंसर भी होगा दूसरे परत को सीमा कहा जाता है जिसका दूसरा नाम मेंटल भी है अगला प्रश्न मिश्रित धातुओं सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर होगा ए सियाल सियाल कहा जाता है अगला प्रश्न सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है इसका राइट आंसर बी होगा भूकंप और भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए स्केल रिएक्टर का यूज किया जाता सॉरी रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है री रिएक्टर स्केल से रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है अगला प्रश्न भूकंप में धरात्रित तरंगें कौन सी हैं भूकंपी तरंगें तीन प्रकार की होती है फर्स्ट पी एस एल प्राइमरी तरंग सेकेंडरी और यल तरंग प्राइमरी प्राइमरी तरंग सबसे तीव्र गति से चलने वाली तरंग है सेकेंडरी तरंग सिर्फ ठोस अवस्था में चल ठोस से ही गुजरती है यल तरंग जो धरातल से होके चलती है और सबसे विनाशकारी तरंग है यल तरंग तो इसका राइट आंसर होगा बी पृथ्वी में धरातली तरंगें कौन सी है यल तरंग अगला प्रश्न भूकंप का कारण है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा टेक्टोनिज अगला प्रश्न कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी सुनामी सुनामी समुद्र में घटने वाली घटना है जबकि ज्वालामुखी अपच अपरदन ये धरातल पर घटने वाली घटना है अगला प्रश्न कौन अनुमेय प्राकृतिक आपदा है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए भूकंप अगला प्रश्न पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकिल है अगला प्रश्न किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है इसका राइट आंसर होगा सी ज्वालामुखी को प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है अगला प्रश्न विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा इक्वाडोर में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है अगला प्रश्न विष्टाम्बुल किस प्रकार का ज्वालामुखी है स्टाम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी है इसका राइट आंसर ए होगा अगला प्रश्न मृत ज्वालामुखी किली मंजारो किस देश में स्थित है इसका राइट आंसर तंजानिया तंजानिया में मृत ज्वालामुखी किली मंजारो स्थित है अगला प्रश्न दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए पाँच सेकेंड का समय दिया जा रहा है आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो के लास्ट में ये भी बताएं कि आपका चालीस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए अगला प्रश्न पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु के क्या कहा जाता है तो उसे उत्केंद्र कहते हैं इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों ये पृथ्वी के धरातल है जिस पॉइंट से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र या फोकस बोलते हैं और पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले जहाँ पर ये तरंगों भूकंप भूकंप का एहसास होता है उस पॉइंट को अधिकेंद्र बोलते हैं इस पॉइंट को अधिकेंद्र अधिकेंद्र बोलते हैं ये नाइन्टी अंश पे हो नाइन्टी अंश पे होता है तो इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों अगला प्रश्न किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों तो इसका राइट आंसर बी होगा वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है अगला प्रश्न तरल पदार्थ से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंप की लहर कौन सी है इसका राइट आंसर सी होगा यस, यस तरंग मतलब सेकेंडरी तरंग, सेकेंडरी तरंग केवल ठोस से होकर गुजरती है लिक्विड से होकर नहीं गुजरती इसका राइट आंसर सी होगा अगला प्रश्न फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर बी होगा जापान फ्यूजियामा जापान देश का ज्वालामुखी पर्वत है अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है इसका राइट आंसर बी होगा प्रशांत महासागर के आसपास विश्व में सर्वाधिक जागृत वाला मुखी स्थित है अगला प्रश्न महासागरी सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी महासागरी सतह का निर्माण बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से हुआ है अगला प्रश्न रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है इसका राइट आंसर सी होगा अगला प्रश्न विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है इसका राइट आंसर डी होगा अगला प्रश्न पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाती है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत मैग्मा कहलाती है इसका राइट आंसर सी होगा अगला प्रश्न ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है इसका राइट आंसर ए होगा अगला प्रश्न ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है इसका राइट आंसर बी होगा जापान में ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है अगला प्रश्न संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है संसार का सब सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों पचासी का राइट right आंसर होगा सी संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है अगला प्रश्न किलायु ज्वालामुखी कहाँ स्थित है तो किलायु ज्वालामुखी हवाई द्वीप में स्थित है इसका राइट आंसर ए होगा अगला प्रश्न अंत सागरी भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है इसका राइट आंसर बी होगा अगला प्रश्न किस देश में भूकंप उत्पत्ति विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं इसका राइट आंसर बी अगला प्रश्न भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है तापमान वृद्धि का कारण दबाव रेडियो सक्रिय का विखंडन इसका राइट आंसर सी होगा दोनों ऑप्शन करेक्ट है अगला प्रश्न हिमालय पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रेणी वलित पर्वत का उदाहरण है इसका राइट आंसर ए होगा अगला प्रश्न विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी है इसका राइट आंसर सी होगा अगला प्रश्न अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट तंजानिया में स्थित है, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी कहाँ स्थित है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिब्री द्वीप में स्थित है इसका राइट आंसर सी होगा अगला प्रश्न कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है इसका राइट आंसर सी होगा दीर्घ पृष्टि अगला प्रश्न मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है मेंटल को सीमा के नाम से भी जाना जाता है इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है इसका राइट आंसर सी होगा अगला प्रश्न प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर प्लेट विवर्तनी सिद्धांत 1960 में हैरी हेस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो इसका राइट आंसर बी होगा 1960, इसका राइट आंसर सी होगा अगला प्रश्न दोस्तों आपके लिए जो चालीस क्वेश्चन है उसमें से आपके कितने करेक्ट हुए आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन १९६० में हैरी हेस ने किया था इसका राइट आंसर ए होगा अगला प्रश्न माउंट एवरेस्ट किस देश में है इसका राइट आंसर सी होगा नेपाल अगला प्रश्न एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित तो है इसका राइट आंसर होगा सी दक्षिणी अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अफ्री सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अगला प्रश्न कौन सबसे ऊंचा पर्वत है तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों यहाँ पे हमारे चालीस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आप बताइए चालीस क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हुए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से सा ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग